हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और टेस्टी मिर्च के सालन की रेसिपी। हैदराबादी स्टाइल मिर्च का सालन आज हम बनाना सीखेंगे, जो कि खाने में बेहद ही लाजवाब, बेहद ही टेस्टी होता है। और आप इसको रोटी, पूरे पराठे, प्लेन राइस, यहां तक कि आप इसको कुलचा, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ये बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है, तो बिरयानी के लिए बहुत अच्छी साइड डिश है ये। आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम तीखी वाली मिर्ची चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पर लगभग 7 से 8 मोटी वाली हरी मिर्च को धोकर और पोंछ कर रखा है। अब इसको इस तरह से हम कट कर देंगे, इसको एक स्लिट कर देंगे, स्लिट लगा देंगे इसमें। और अगर इसके अंदर बहुत सारे बीज है तो उसको आप निकाल दें। तो सारे हरी मिर्च को इसी तरह से स्लिट करके रख लेंगे और इनको हम पैन में फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन ले लें, कोई कढ़ाई ले लें और उसमें डालें 2 चम्मच तेल। फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर इनको 2 से 3 मिनट इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इन हरी मिर्चों को फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इनको देखिए इस तरह से ही मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई होने के बाद में आप देख सकते हैं इनमें मार्क्स आना शुरू हो गए हैं, स्पॉट्स आने लगे हैं। तो बस ये फ्राई होकर रेडी है, इसको आप एक प्लेट में निकाल लें। तो मिर्ची तो हमारी फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, लेना है सेम पैन और इसमें डालना है 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली के दाने। 1.5 टेबलस्पून के करीब यहां पर हमने सफेद तिल डाला है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 2 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे, लाल मिर्चों को तोड़कर भी डाल सकते हैं। और सारी चीजों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली भूनने में फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आप इसको धीमी आंच पर ही भूनें। आप चाहें तो मूंगफली को अलग से भी भून सकते हैं। वैसे धीमी आंच पर भूनेंगे तो सारी चीज़ें एक बार में भुन जाएंगी और जलेंगी भी नहीं। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने भून लिया और एक प्लेट में निकाल लिया ताकि ये ठंडी हो जाए। तो देखिए अब इस मिक्सचर को मैंने ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर दिया है। इसमें 2 जवे लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। तो अदरक भी डाल देते हैं। तो इस पेस्ट को महीन पीसने के लिए हमें इसमें पानी डालना होगा। तो जितना भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने लगभग 1 कप पानी का यूज़ किया है और यहाँ पर बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लिया है। तो आइए इससे मिर्च का सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कोई भी कढ़ाई लेकर तेल को गर्म कर लें। लगभग 2 टेबलस्पून तेल गर्म करके इसमें डालना है राई और सरसों मिलाकर डालना है। तो 1 चम्मच मैंने राई और सरसों दोनों को मिलाकर डाल दिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से स्प्लटर होने देंगे, चटकने देंगे और थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज। 1 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम का लगातार चलाते हुए हम प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है मिक्सी में वो डाल देंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं। तो पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, इसको लगातार चलाते हुए हम इसी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को आप मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट भून लें। पेस्ट को हमें थोड़ा सा भूनना होगा, साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं। काश्मीरी मिर्च का यूज़ करूँगी ताकि कलर भी अच्छा आए। और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही इसमें तेल आप देख सकते हैं दिखना शुरू हो गया है, तो इस पॉइंट पर आप इसमें पानी डाल दें। तो अच्छे से हमारा पेस्ट भुन चुका है, इसमें ऑयल जो है उज आउट होने लगा है। तो इसमें 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अभी इसमें पानी हम ज़्यादा डाल रहे हैं और बाद में पकने के बाद ये जो ग्रेवी है, सालन है, ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। वैसे इसको बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखा जाता है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा जाता है, गाढ़ा भी नहीं रखा जाता है। जब आप इसको बिरयानी के साथ खाते हैं, पुलाव के साथ खाते हैं, तो थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। तो 1.5 ग्लास पानी डाल दिया, अब इसको आप बॉयल होने दीजिए। फ्लेम को मीडियम हाई या मीडियम रख सकते हैं। और बीच में आप इसमें डाल दें खटास के लिए टैमरिंड जूस। तो लगभग 1 नींबू के साइज़ का मैंने इमली का टुकड़ा लिया, उसको मैंने पानी में भिगोकर रखा था और जूस उसका निकाल दिया। ये भी डालकर मिक्स कर लेंगे। और बहुत सारे लोग इसमें शुगर भी डालते हैं, पर मैं नहीं ऐड करती हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं, तो खट्टा मीठा टेस्ट आपको मिल जाएगा। ग्रेवी आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल होने लगी है। तो अब आप इसमें फ्राई की हुई मिर्चें डाल दें। हमने मिर्चें इसमें डाल दिए, अब आप फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए पकने दें। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। तो आइए ढक्कन लगा देते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, साथ ही बहुत अच्छा इसमें कलर आया है और थोड़ा सा रोगन भी ऊपर आ गया है। तो सब्जी यहाँ पर हमारा हैदराबादी मिर्ची का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारी रेसिपी है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही रहनी चाहिए, और जैसे जैसे ये ग्रेवी ठंडी होगी तो थोड़ा सा ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इसलिए आप ग्रेवी को थोड़ा इसी तरह से रखें, थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स हैदराबादी मिर्ची का बहुत ही चटपटा तीखा मज़ेदार सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर ज़रूर देखें और पूरी पराठे, प्लेन राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मिर्च के सालन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो बनाकर देखें, बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, लव यू, सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय बाय।